हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ना अभी उठ रही हूँ क्योंकि आज संडे है और रात में मेरी बीच में नींद खुल गई थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि तो आज संडे है और आज भी आज लेट तक सोऊंगी, बट जिस दिन संडे होता है ना उस दिन नींद नहीं आती है और जल्दी उठ जाते हैं ना। आपके साथ भी ऐसे ही होता है? मेरे साथ तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है और बाकी दिन मैं संडे का वेट करती हूँ कि कब संडे आएगा कब संडे आएगा, और संडे को तो मैं जी भर के सोऊंगी, बट इट्स इम्पॉसिबल। तो मौसम भी देख लेते हैं कैसा है आज का मौसम। ओ धूप आ गई है। पहले तो मैं वॉशिंग मशीन ऑन कर लेती हूँ क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप है। अच्छी धूप आज क्या है, अब तो गर्मी ही स्टार्ट हो ही रही है और अब तो रोज़ ही धूप अच्छी होगी। आज कपड़े भी सूख जाएंगे। मशीन ऑन कर लेते हैं। जब तक मेरे कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं बाकी सारा काम कर लेती हूँ। कुछ कुछ गर्मी के कपड़े निकाल लेती हूँ क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो गई है और गर्मी लगती है दिन में। आज मैं रजाई का कवर भी वॉश कर लूँगी। मैं नहा गई हूँ और अब मैं सारा घर का काम करूँगी। पहले तो मैं खाना खाऊँगी, उसके बाद मैं सारे घर का काम करूँगी। और जब घर का सारा काम हो जाएगा, मैंने अपने हेयर वॉश नहीं किया, उसके बाद मैं अपने हेयर वॉश करूँगी क्योंकि आज एक ही दिन तो मिलता है कि धूप में ड्राई करने का। तो आज पहले तो मैं संडे को यही करती हूँ कि नहा धो के सारा पूरा घर का साफ सफाई करके उसके बाद ही धूप में अपने बाल सुखाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो कह रही थी कि गर्मी हो गई है और उसने स्वेटर डाल लिया। यार एकदम से नहीं छोड़ सकते ना स्वेटर, अगर छोड़ देंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो आप भी मत छोड़िएगा एकदम से स्वेटर कि गर्मी आ गई है अब तो गर्मी डिक्लेयर कर देते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं। अभी थोड़े टाइम थोड़े थोड़े स्वेटर पतले पतले पहन ही सकते हैं। तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं सुबह उठ के ही मुझे बहुत भूख लगने लगती है तो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। वैसे तो मैं बिना चाय से मेरी ब्रेकफास्ट नहीं हो पाता है, पर मैं बहुत मुश्किल से चाय थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, एक टाइम ही चाय पी रही हूँ। दही ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं खा लेती हूँ खाना अब जल्दी से, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। पूरा दिन क्या क्या करूँगी सब बताऊँगी आपको। आप भी लीजिए। जो है ना अकेला खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें खाना पड़ता है अकेले खाना, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की तो छुट्टी है नहीं, सुबह जल्दी खाना खा के चले गए हैं। तो आज मैं बस इसीलिए लेट खा रही हूँ। संडे को मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि हम दोनों लंच साथ में करते हैं। सिलेंडर में मैं दूध क्या कब कब आया है वो टिक मार कर, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता कि कितने दिन हमें दूध उन्होंने दिया है। कैलकुलेशन करने में भी आसानी रहती है, इसलिए मैं सिलेंडर में टिक कर लेती हूँ कि कौन से दिन दूध वाला आया है और कौन कौन से दिन वो एब्सेंट है। अब मैं ईयरबड्स लगाऊंगी और घर पे बात करूंगी क्योंकि संडे को काम के साथ साथ घर पे बात भी करना ज़रूरी है। और हाँ मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने अपना फ़ोन ठीक करवा दिया है, इसकी स्क्रीन टूट गई थी ना तो एक दिन मैंने इसमें स्क्रीन लगवाई है और इसका बैक कवर भी लगाया। रजाई का कवर मैंने निकाल दिया है, अब मैं इसे बस वॉश करके पैक करके रख दूंगी।
कपड़े धुल चुके हैं। देखो मेरे हस्बैंड आ गए हैं ड्यूटी से लंच करने, और ये लंच करने के बहाने हम टाइम पास कर रहे हैं। फोन छोड़ दो और खाना खाओ। चलो सारा घर का काम करने के बाद अब मैं नहाई हूँ, बहुत थक गई। मैं चाहती हूँ बाहर धूप में और बाल सुखा के आती हूँ। यार सुबह इतनी अच्छी धूप थी ना, और सारी धूप अब चली गई है। थोड़ी थोड़ी धूप है और मैंने कपड़े भी पीछे देखो धो रखे हैं मैंने कपड़े पीछे, मेरे सारे मेरे कपड़े हैं, ऐसे सूख गए हैं क्योंकि मैंने सुबह ही धो दिए थे। बस मेरे बाल जल्दी से जल्दी सूख जाए, उसके बाद मुझे नींद आ रही है, सो जाऊंगी थोड़ी देर। फिर मैं बाल सुखा लेती हूँ। एक घंटे के लिए सो जाती हूँ, सोना भी ज़रूरी है। संडे कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, कि रेस्ट भी मिले काम के साथ साथ, तो इसलिए एक घंटे के लिए सो रही हूँ। अब मैं उठ गई हूँ, कपड़े बाहर सूख गए होंगे, लेके आती हूँ सारे कपड़े। फिर उसके बाद हमें कहीं बाहर भी जाना है, तो ये आती होंगे जल्दी जल्दी कपड़े लेके आती हूँ बाहर से, उसके बाद तैयार होती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और इन्होंने मेरे कपड़े बाहर से लाने में बहुत मदद की। हेलो करो, हेलो करो, हेलो। हम जा रहे हैं बाहर शॉपिंग करने, हम जा रहे हैं बाहर शॉपिंग करने, और ये मेरे नौटंकी हस्बैंड। बहुत दिन हो गए थे हमने पिज्जा नहीं क्या खाया था, तो पहले हमने सोचा कि डोमिनोज चलते हैं और पिज्जा खाते हैं। पिज्जा खाने ये लेके आई मेन्यू डिसाइड करते हैं। और जैसे ही हमने ऑर्डर किया वैसे हमें हमारे फ्रेंड्स मिलके एकदम अचानक से, हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफी टाइम से हम सोच रहे थे कि मिले हम, बट हम मिल नहीं पा रहे थे, कभी इनके पास टाइम नहीं है तो कभी हमारे पास टाइम नहीं है, और हम अचानक से मिल के, तो हमें बहुत अच्छा लगा।
उसके बाद हम शॉपिंग करने चले गए। शॉपिंग करने के बाद हमारा मन किया कि हम मोमोज खाएं, तो हम मोमोज खाने के लिए दीप चले गए। आ गए हम शॉपिंग करके और डिनर भी हमारा हो गया बाहर। तुमने इतना कुछ खा लिया है तो अब भूख नहीं है। और आपको ये कहना था कि अब मेरे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ और थैंक यू फॉर 1K सब्सक्राइबर। थैंक यू, बाय।